छत्तीसगढ़ के सारा गांव थाना क्षेत्र के ग्राम अफरीद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर में सिलेंडर फट गया। आपको बता दें कि सिलेंडर उस समय फटा जब घर पर खाना बनाया जा रहा था। गनीमत रही कि आगजनी के दौरान किसी प्रकार के जनहानि नहीं हुई है। यहां आपको बता दें कि गैस सिलेंडर के धमाके से दुवास राम के घर का छप्पर उड़ गया और घर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप ले लिया और तेजी से फैलने लगी। आग इतनी भीषण थी कि आग की चपेट में आकर दुवास राम के घर के साथ साथ उनके दो पड़ोसी युवराज यादव और शोभा राम केवट के घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग के बढ़ते तांडव को देखते हुए ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल डायल 112 और दमकल की टीम को दी। सूचना मिलते ही डायल 112 और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। दो दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। आगजनी के दौरान किसी प्रकार के जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग की चपेट में आकर दुवास राम यादव, शोभा राम केवंट और युवराज यादव तीनों ही लोगों के घरों में रखे हुए राशन सामान सहित दैनिक उपयोग के सभी सामान जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। रायपुर से स्टेट हेड प्रणय अग्रवाल की रिपोर्ट। सारा गांव थाना क्षेत्र के ग्राम अपहृत का ये मामला है, जिसमें व्यक्ति है एक दुवास राम यादव, उसके घर में खाना बनाते टाइम गैस सिलेंडर के फटने से आगजनी हो गई और उस आग की चपेट में अगल बगल के दो घर, जिसमें एक युवराज यादव और एक शोभा राम केवट का घर भी आगजनी की चपेट में आ गया और उसमें भी आगजनी से हताहत हुई है। लेकिन इसमें जान माल के किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई है। आगजनी होते ही पुलिस और डायल 112 की टीम तुरंत ही मौके पर पहुंच गई थी। फायर ब्रिगेड की टीम भी वहां पहुंच गई थी। इस प्रकार किसी भी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।